हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो जिस पल का हर एक क्रिकेट फैंस का इंतजार था वो पल आ चुका है, जहां दोस्तों अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का दो फाइनल टीम कंफर्म हो चुकी है। और यह दो टीम ऐसा वैसा नहीं है, एक टीम है टीम इंडिया तो दूसरा टीम है ऑस्ट्रेलिया। जहां दोस्तों यही दोनों टीम जो कि 2023 के नवंबर के महीने में खेली थी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला, और फिर से अब अंडर 19 का फाइनल मुकाबला खेलने वाली है, यानी कि बिजोड़ मुकाबला होने वाला है। तो पूरे डिटेल्स में बात करेंगे, यह मुकाबला कहां पर खेला जाएगा और कब खेला जाएगा और कहां पर आप बिल्कुल फ्री में देखने वाले हैं यह मुकाबला, पूरे डिटेल्स में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो बिना देरी किए हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट हम लाते रहते हैं। तो बात करें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला होने वाला है, यह मुकाबला जो कि साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 साउथ अफ्रीका में ही हो रहा है। बता दें कि जहां भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को बेहद ही रोमांचक मुकाबले में हराकर फाइनल में पहुंची है, तो वहीं बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम जो कि बेहद ही रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हराई थी और तब फाइनल में पहुंची, यानी कि दोनों टीमों ने बेहद ही कड़ी टक्कर मिली थी सेमीफाइनल में। अब यह दोनों टीम जो कि फाइनल में भिड़ने वाली है, और बता दें कि टीम इंडिया अनबीटेन है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में एक भी मुकाबला टीम इंडिया नहीं आ रहा है, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम में भी कमाल का परफॉर्मेंस किया है। ऐसे में यह दोनों टीमों तो टॉप क्लास के है। तो दोस्तों अब बात करें यह मुकाबला कितने बजे से शुरू होगा, तो बता दें कि 11 फरवरी को मुकाबला होगा। यह भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला जो कि 1:30 पर ही शुरू होगा दोपहर में। तो अब बात करें यह मुकाबला आप बिल्कुल फ्री में कहां पर देख सकते हैं, तो दोस्तों बात करें ऐप का, तो यह मुकाबला आप देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर। इसके अलावा डीडी स्पोर्ट्स पर भी आने वाला मुकाबला जो कि चैनल्स की बात करें तो, यानी कि यहां पर भी आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। इसके अलावा स्टार स्पोर्ट्स पर भी देख सकते हैं यह मुकाबला। तो अब बात करें कि भारतीय टीम का क्या होगा फाइनल के लिए प्लेइंग 11, तो दोस्तों वह कुछ इस प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले बात करें तो हमें नजर आएंगे अदर सिंह और अश्विन कुलकर्णी जो कि ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे टीम इंडिया की तरफ से। इसके बाद नजर आएंगे मुशीर खान, फिर नजर आएंगे यू शरण जो कि कैप्टन भी है। इसके अलावा ए राव जो कि विकेट कीपर रहेंगे, प्रियांशु मौर्या, इसके अलावा देखिए एस दास नजर आएंगे, अभिषेक मुर्गन नजर आएंगे, नमन तिवारी नजर आएंगे और राज लिम्बानी और सौम्या पांडे। जहाँ दोस्तों यह हो सकता है टीम इंडिया का प्लेइंग 11। जो सबसे ज्यादा नजर रहने वाला है टीम इंडिया के किसी खिलाड़ी पर तो वह है मुशीर खान। इसके अलावा जिन दास जिस प्रकार का परफॉर्मेंस किए थे अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में, तो उन पर भी बेहद ही दारोमदार होगा। टीम इंडिया बेहतरीन है और फिर से हम उम्मीद करेंगे टीम इंडिया चैंपियन बने, क्योंकि टीम इंडिया सबसे ज्यादा बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाला टीम है। ऐसे में एक बार और चैंपियन बनाता है और ऑस्ट्रेलिया को हराता है तो टीम इंडिया के लिए एक थोड़ा सा मरहम वाला काम भी करेगा, क्योंकि बता दें क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के जो फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टीम इंडिया को हराया था मेन टीम को, ऐसे में एक बेहतरीन बदला लेने का मौका है टीम इंडिया के पास। युवा खिलाड़ी है, जोश भी है, अब देखने वाला है कि टीम इंडिया बाजी मारता है या नहीं। तो आपका क्या राय इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।